तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं आपके साथ मल्टी शीट वीलुकअप की। वीलुकअप के ट्रिक्स में हम बात कर रहे हैं मल्टी शीट वीलुकअप की। मल्टी शीट वीलुकअप की मदद से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर मल्टीपल्स कॉलम्स को लुकअप करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक फाइल है, उसमें तीन अलग अलग शीट पे डेटा है, मतलब कि कुछ डेटा इस पे है, कुछ डेटा इस पे है, कुछ डेटा इस पे है। मुझे इसके यूनिक कस्टमर्स के अकॉर्डिंग पूरी रिकॉर्ड चाहिए। अब कस्टमर वन हो सकता है सीट वन में हो, ये हो सकता है सीट टू में हो, ये हो सकता है सीट थ्री में हो, तो ये मिक्सअप है। तो अब मुझे इसको लुकअप करना है। तो वी अब यहाँ पे क्या है कि वी लुकअप किसी भी कंडीशंस में मल्टीपल सीट्स को लुकअप नहीं कर सकता, मल्टीपल सीट में नहीं जा सकता। एक वी लुकअप सिर्फ एक के साथ ही करता है एक जगह, राइट। इसके लिए हम ट्रिक्स थोड़ा सी अपनाए। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम एक VLOOKUP लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और डेटा वन में जाके हम सिलेक्ट कर दिया और हमने बोला कि कॉमा टू कॉमा जीरो, VLOOKUP से आ जाएगा। अगर लीजिए आप नीचे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ नया है, क्योंकि ये दूसरे सीट में था। तो अगेन मैं वी लुकअप लगाता हूँ, उसको सिलेक्ट करता हूँ और दूसरे सीट में जाता हूँ, कॉमा टू कॉमा जीरो यहाँ आ जाता है, बट ये तीसरा नहीं है, तो इस तरह से अलग अलग। तो हम क्या करेंगे कि एक ही सेल में दोनों वी लुकअप लगाएंगे। कैसे? तो उसके लिए हम यहाँ इफ एरर का यूज करेंगे। इफ एरर हम देंगे VLOOKUP में हम सिलेक्ट करेंगे इसको लुकअप वैल्यू को और हम पहले एक डेटा में जाके VLOOKUP लगा देते हैं, कॉमा अगेन हम VLOOKUP लगाएंगे और हम सिलेक्ट कर लेंगे दूसरे शीट को और दूसरे शीट में हम गलत हो गया दोबारा बताता हूँ इफ एरर हमने इसको सिलेक्ट किया पहले शीट में गए और हमने VLOOKUP लगा दिया कॉमा टू कॉमा जीरो। फिर हमने फिर दूसरा VLOOKUP लगाया और दूसरे VLOOKUP में ये थ्री सेलेक्ट कर रहा हूं और हम दूसरे सीट से दूसरा VLOOKUP लगाएंगे कॉमा टू कॉमा, तीसरा नहीं लगा सकते क्योंकि इफ एरर दो ऑप्शन ही होते हैं। तो नीचे ड्रैग करेंगे तो सीट डेटा वन एंड डेटा टू का वो यहाँ पे आपको दिखा दिया। तो क्या हुआ कि इफ एरर ने देखा कि यहाँ पे इस पे देखिए, पहले इस पे देखिए, इसको मैं फॉर्मूला में जाके फॉर्मूला एवलेट करता हूँ, समझ में। तो पहला VLOOKUP हमारा चला तो पहले VLOOKUP ने रिजल्ट दे दिया और दूसरे ने पहले रिजल्ट दे दिया तो दूसरा उसको चलाने की जरूरत नहीं, उसे दूसरा को चलाया ही नहीं और रिजल्ट आपके सामने आया। तो इस तरह के काम क्या है कि इसके अंदर दो फॉर्मूले आप डाल सकते हो, अगर एक फॉर्मूले ने रिजल्ट दे दिया तो शो कर देगा, अगर एक फॉर्मूले ने रिजल्ट नहीं दिया तो फिर वो अगले फॉर्मूले को चलाएगा, जैसे कि यहाँ पे इसने किया है। यहाँ पे इसने एक VLOOKUP चला और मिल गया एरर, फिर इसने दूसरा VLOOKUP चलाया और दूसरा VLOOKUP ने दिया रिजल्ट, तो एक एरर है एक रिजल्ट है, तो पहला अगर एरर दिया तो दूसरा वो शो कर। अब क्वेश्चन आता है कि तीसरा कैसे होगा, तो हमें यहाँ पे एक और इफ एरर इस्तेमाल करना होगा और इस इफ एरर के पहले पार्ट में दूसरे पहले वाला इस तरह आ जाएगा और हमने कॉमा करके
लुक अप नेम ए थ्री एंड कॉमा तीसरे शीट से हमने लुकअप कर दिया। हमारा हमने नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए तो तीनों सीट से डेटा निकाल के आपको दे बाकी इसी तरह से आगे के सेल्स में भी लगाया जा सकता है। तो राकेश जी एंड बाकी लोग आपको मल्टी सीट वी लुकअप का कंसेप्ट समझ में आया? मल्टी सीट वी लुकअप का कंसेप्ट समझ में आया? जी जी सर। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। सर अगर ये दोनों शीटों पे सेम कस्टमर होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा क्या? हाँ दोनों सेम कस्टमर होगा तो पहले उठा लेगा ना वो। ठीक है जी। सर इसमें एक चीज बताइए, इसमें दो बार इफ एरर लगाए, एक बार इफ एरर से तीन भी लुकअप नहीं लगा सकते थे? नहीं, एक इफ एरर में दो ही होते हैं। अच्छा, लिमिटेशन है। ठीक ठीक ठीक। इसमें अगर हमारे फर्स्ट डेट D1 में भी उसको रिजल्ट मिल जाता है और D2 में मतलब अगर रिजल्ट मिल जाता है तो नेक्स्ट वाले का एफपीआर नहीं होता, बट अगर उसमें कॉमन है D2 में भी रिजल्ट है और D3 में रिजल्ट है, वो तीनों को ऐड नहीं कर पाए कर सकते। क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? सर लाइक इसमें क्वांटिटी और क्वांटिटी है तो D1 में भी रिजल्ट है क्वांटिटी कस्टमर 141 के लिए, D2 में भी रिजल्ट है, तो पहले दिखाया सर, तो तीनों को काउंट करना है, काउंट और सम। काउंट करने के लिए तो फिर अलग फॉर्मूला लगेगा ना, वो अलग केसेस है सर, क्योंकि यहाँ तो हम लुकअप कर रहे हैं ना। लुकअप के साथ साथ में काउंट भी, क्योंकि क्वांटिटी पे जब हम आएंगे तो वो तो तीन सीटों उसके में लिए उसके लिए वो काउंट इफ का फॉर्मूला लगेगा प्लस करके, वो आगे क्लासेस में आऊंगा। ठीक है, इसका काम लुकअप करना है तो ये लुकअप करके दिखाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। मल्टी सीट वी लुकअप समझ में आ गया आप लोग?